हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे केला के फूल का सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, तो ये रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। यदि रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले पकौड़ा बना लेंगे इस फूल का। इसे इस तरीके से छील लेंगे। ये सब ऊपर का जो भी है इसे हम फेंक देंगे। बस ये फूल और वो जो अंदर का है वो हम रख लेंगे। तो इस फूल में से इस तरीके से एक सुई की तरह व्हाइट कलर का रहता है, इसे आप लोग जरूर निकालिएगा। यदि ये नहीं निकालेंगे तो सब्जी हो या पकौड़ा सबका टेस्ट बेकार हो जाता है। तो ये ध्यान से जरूर निकालिएगा इस तरीके से जैसे हम निकाल रहे हैं। तरह हम सारे फूल का वो निकाल दिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ हम सब फूल को अच्छे से कट कर लिए हैं, सबको हम एक प्लेट में उठा लेंगे। इधर हम ये फूल में से भी ये वाला इस तरीके से हम सारा निकाल के रख लिए हैं। अब हम इस सबको फेंक देंगे और ये फूल हम रख लेंगे। ये मेरे दोनों रेडी है। इधर अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अब हम इसमें पानी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ये दोनों जो कट करके और वो फूल जो रखे थे, अब हम दोनों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो दोनों को हम कढ़ाई में रख दिए हैं। अब हम इसे एक प्लेट से ढक के 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर मेरा 10 मिनट हो गया है, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। तो यहाँ हम चेक किए हैं, अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसे 3 या 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसे जितना धो लेंगे ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसे हम अच्छे से 4 पानी से धो लिए हैं। यहाँ हम सबको अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले इसमें बेसन ऐड करेंगे। यहाँ हम बेसन ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज जिसे छोटे टुकड़ों में हम कट किए हैं। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इधर अब हम एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ सरसों ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसमें पकौड़ा बना के
ऐसे ही छोटा छोटा पकौड़ा बनाएंगे। एक साइड मेरा पकौड़ा हो गया है, इसे हम पलट देंगे। तो इधर मेरा पकौड़ा बन के हो गया रेडी। अब हम सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इधर मेरा पकौड़ा बन के हो गया है रेडी। अब हम इसमें इसका सब्जी बनाएंगे। तो इधर हम उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, दो या तीन तेज़पत्ता, ले लिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट के, और यहाँ ले लिए हैं प्याज। अब हम प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। इधर मेरा प्याज जो है हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले के लिए ले लिए हैं हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इधर मेरा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा गिलास पानी। पानी ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 मिनट तक ऐसे ही इसमें अच्छे से उबाल आने दिए हैं। अब हम इसमें पकौड़ा ऐड कर देंगे। पकौड़ा ऐड करके इसे बस हम 2 या 3 मिनट तक ऐसे ही गैस का फ्लेम लो रख के इसे हम पकने देंगे, कवर नहीं करेंगे। तो इधर मेरा सब्जी बनके हो गया है रेडी। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप लोगों की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा बना है। थैंक यू।